हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने वन प्लस के फ़ोन में रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने वन प्लस फ़ोन की सेटिंग में आपको जाना है। जैसे आप वन प्लस मॉल की सेटिंग में आएंगे तो इसका कुछ इंटरफेस आपको इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है। और वन प्लस का कोई भी फ़ोन हो, ठीक है, उसमें आप रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको गाने वाली भी रिंगटोन बताऊंगा कैसे सेट कर सकते हैं आप। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिंगटोन का एक ऑप्शन, ये देखो इस तरीके का, ठीक है। बस इस वाले ऑप्शन पे आपको फिर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है ऊपर ही ऑन दिस डिवाइस पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपके फ़ोन में कोई भी सॉन्ग होगा, ठीक है, कोई भी गाना होगा, आपने डाउनलोड कर रखा होगा अपने फाइल मैनेजर में, फाइल में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो आपको लगाना है तो उस पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट हो चुका है, ठीक है। सिम वन आ जाएगा, अगर वन डली है टू, यहाँ पे ऑप्शन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। मेरे फ़ोन में वन ही है इसलिए यहाँ पे केवल ये कोई भी ऑप्शन यहाँ शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से देखो दिख जाएगा सिस्टम रिंगटोन का नीचे की तरफ पूरा यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि फ़ोन में जो भी रिंगटोन होंगी, ठीक है, यानी कि सिस्टम में जो भी रिंगटोन होंगी तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएंगे। और जो भी आपको सेट करनी है बस उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा तो यही वाली रिंगटोन सेट हो गई है, ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आउट करके यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं अपने वन प्लस के किसी भी मोबाइल के अंदर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।